दीवारों से बातें करेगा अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। उस्ताद एक बोर्ड भी लगा लें। किस चीज का? जुल्फी जुल्फ तराश। क्यों? ताकि गुजरने वाले को पता लगे हम काम क्या करते हैं। काम क्या करते हैं? अच्छा यूं कर, फिर डॉक्टर का बोर्ड लगा दे। ले, गुजरने वाले ने पढ़कर ही आना है, आमदनी तो ज्यादा हो। अंधों के डॉक्टर का लगा दूं? अंधों के डॉक्टर का लगा दे और पढ़ना अपनी तस्वीर भी लगा दी। उस्ताद ये दीवार किसकी है? सबकी। सबकी? किसने बनाई? किसी ने नहीं। ले ये बता, तेरे घर की जो दीवार है मेरी माँ ने, उसके बाहर जो किक्कर हो गया है? ये दीवार भी ना वैसे ही बन गई है। उस्ताद दीवार और किक्कर में फर्क होता है ना? क्या? मैं बताता हूँ। जुल्फी जुल्फ्तराश हरोश फरोश, दीवार ना ईंट से बनती है, ईंट पड़ती है, फिर एक और ईंट, फिर एक और, फिर एक और। मौलवी साहब ईंटें कुछ ज्यादा नहीं पड़ रही आज। ना हंजार। हाजिर जनाब। ओ मुझे कह रहे हैं? ना आकबत अंदेश, मस्जिद की दीवार पे अपना शोबिज और ग्लैमर लटका के कहता दीवार खुद बन गई। मौलवी साहब अब आप जैसा हुस्न जमाल का पैकर दूसरों के ग्लैमर के बारे में फतवे दे, बड़ी नाइंसाफी है। वैसे भी अल्लाह मियां की दीवार है, जिसने जो लटकाना है लटका सकता है। अरे जाहिल तही मगज कूता परवर, ये मस्जिद की दीवार अल्लाह ने नहीं अल्लाह के सिपाही ने बनाई है। मैंने कब कहा नाइयों ने बनाई है? उस्ताद तू तो कह रहा था दीवार किसी इंसान ने नहीं बनाई, और क्या खुद बन गई? सेंस तो यही कहती है, खुद से तो तेरी माँ का जहेज नहीं बना और ये दीवार बन गई। मौली साहब अब आप जैसा समझदार बावकार जी शऊर अहले इल्म और बारीक बीन इंसान भी ऐसी बातें करेगा? मजाक कर रहे ना गधे, ये मस्जिद की दीवार भी ना इंसान बनाता है और मौलवियों की होती है दीवारें। मतलब इंसानों की होती है ना? इंसान में और मौलवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? मौलवी साहब फर्क ना करें, गौर करें। ये देखें, ये दीवार देखें जरा इसको, ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। देखें जरा इसे, इतना सा था तब से देख रहा हूं मैं ये। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर ईमान से बताएं, अपने खुद अपनी दो गुनाहकार आंखों से देखा है ये दीवार बनते हुए? देखा तो मैंने, तुझे भी नहीं पैदा होते। हाय इसे कहते हैं अकल, फहम व फरासत, ज्ञान का फुवारा। कौन सा फुवारा? मौली साहब सेंस पढ़िए ना आपने। हाँ क्यों? बिग बैंग भूल गए? बिग बैंग? हाँ बिग बैंग। उस्ताद वो क्या होता है? मौलवी साहब बताएंगे, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ऐसे ही नहीं बन गए इतने बड़े लामा, बड़ी काबिलियत और हुनर चाहिए होता है इस मकाम पे पहुंचने के लिए। ना तो तू बता दे
हाँ हम बता देते हैं, अल्लाह बख्शे, मास्टर कशफुद्दीन कश्तोरी फरमाया करते थे। कौन सी तोड़ी? अरे कश्तोरी, उधर उस्तादों के मोहल्ले में रहते थे। ओ यस यस। बाल सिर्फ मुझी से कटवाते थे। वाह। कहते थे, जुल्फी तेरे हाथों में समझ है। वाह। कौन कश्तूरी? बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर थे, साबे तदबीर, बुद्धिमान, साहब नजर, साहब कशफ, दूर अंदेश। कहते क्या थे? कहते थे कि इस कायनात में कुछ भी नहीं था ना, बल्कि कायनात ही नहीं थी। तब आसमान में छोटी सी चिंगारी उठी और इतना फैली। कितना फैली भाई? उस चिंगारी से वक्त ने जन्म लिया, खिला ने जन्म लिया, एटम ने जन्म लिया। ले तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने क्या बनाया भाई? मौलवी साहब, एटम की बात कर रहा हूं, एटम बम की नहीं। इन्नी जी शय होंदी है। इन्नी जी शय? आहो। फिर एटम से एटम मिला, फिर एक और एटम, फिर एक और, मादा बना, जमीन बनी, चांद बना, सूरज बना, सितारे बने, दरिया बने, पहाड़ बने, चिरिंद बने, परिंद बने, जमीन बनी और ये दीवार बनी। ये चिंगारियां बंद हो गई है या फिर अभी भी एटम निकले हैं इसमें से? मेरे ख्याल से बंद हो गई है। चिंगारी से ना दीवार नहीं बनती बेटा, राख बनती है। और इस राख में मुंह काला करवाएगा अपना? क्या मौलवी साहब, अगले बंदे ने पूरी कायनात बना दी और एक दीवार बनाते हुए मौत आ गई आपको? दीवारें सिर्फ इंसान बनाता है। सच कह रहे हो मौलवी साहब। जहां देखो एक दीवार, कहीं दौलत की, कहीं तकब्बुर की, कहीं जात पात की, कहीं रंगो नस्ल की, और कहीं दीनो धर्म की। हर जगह एक दीवार। ओए इश्फाक अहमद की औलाद, मैं ना इस दीवार की बात कर रहा हूं। लेकिन कर क्यों रहे? दीवारों का जमाना है भाई। मौलवी साहब, आपके अंदर ना ट्रंप और मोदी की रूह आ गई है। मौलवी साहब, मुझे लगता है उस्ताद ठीक कहता है। ऐसे नहीं कहते पुत्र, कहते हैं उस्ताद बकरा है। अच्छा तो आप खुद गौर करें, जिस तरह पूरी कायनात एक चिंगारी का नतीजा है, उसी तरह दीवार पे तो कोई हादसा हो सकती है। हाँ, कोई ट्रक भी तो लड़ सकता है। ईंटों का और सीमेंट का, इकट्ठे सीमेंट का या रेत और पानी का भी साथ में? जी 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 जी। नहीं नहीं नहीं, खुद गौर करें मी लॉर्ड। पहले यहाँ पे रेत, सीमेंट और बजरी का ट्रक आपस में टकराए, और फिर यहाँ पे ईंटों का ट्रक इन तीनों से था। फिर तो ऐसी हर एक तह के बाद नई टक्कर लगती होगी भाई, या फिर शायद टक्कर एक ही लगी हो, सारी चीजें आसमान में उड़ी हो।
एंड बारी बारी की हूँ। सोचे मौलवी साहब, ईंट पे गारा, गौरे पे ईंट, ईंट पे गारा, गौरे पे ईंट, ईंट पे गारा, गौरे पे ईंट, क्या पड़ता है, 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 बिग बैंग। सदके तेरी लैंडिंग पे। ओए कमेटी ओले हो गई। ओ मौलवी साहब हाथ पड़ाई, जल्दी करो। ओ मेज उठाओ। बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। बातें करना अच्छा लगता है।